गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था रेक्टिफायर सर्किट्स के बारे में और उसमें भी रिपल फैक्टर से एंड किया था, अपन ने ख़त्म किया था। आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। रिपल फैक्टर अपन ने डिफाइन कर दिया था। आगे अब आपको कंटिन्यू करने के लिए एक बार फिर से रिपल फैक्टर से चालू करते हैं। देखिए, अपन ने जब रेक्टिफायर पढ़ा था तो उसमें अपन ने देखा था जो फुल वेव रेक्टिफायर था उसके आउटपुट में आपको यूनिडायरेक्शन करंट तो मिल रही थी, पर उसमें प्रॉब्लम क्या थी, आपको प्योर डीसी नहीं मिल रही थी। ये वाला आपको वेवफॉर्म डिजायर्ड था, पर आपको वेवफॉर्म कौन सा मिल रहा था, ये वाला वेवफॉर्म। तो अपन की प्रॉब्लम क्या थी, ये जो आपका रिपल्स मिल रहे हैं, ये जो कांस्टेंट डीसी से जितना वेरिएशन है इसको अपन को हटाना था, इसको अपन को निग्लेक्ट करना था, सर्किट से वेवफॉर्म से हटा के आपको प्योर डीसी लाना था। तो अपन ने इसके लिए एक फैक्टर, रिपल फैक्टर डिफाइन किया था। रिपल फैक्टर डिफाइन किया था, उससे अपन को क्या पता चल जाएगा कि जितना कम होगा रिपल फैक्टर, जितना ज़्यादा जीरो है, अगर किसी भी वेव फॉर्म का रिपल फैक्टर जीरो है तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि वो आपका जो आउटपुट है वो प्योर डीसी है। आपका रिपल फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उससे आपको पता चलेगा आपकी उतनी ही ज़्यादा वेव फॉर्म में डिस्टर्बेंस है कॉन्स्टेंट डीसी वैल्यू से एक्चुअल वेव फॉर्म। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन क्या थी, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट इज नोन एज रिपल फैक्टर। बच्चों, किसी भी आप कोई भी आपका पीरियोडिक वेव फॉर्म है उसको आप कांस्टेंट डीसी एंड साइंस की वेव फॉर्म में डिफरेंट हार्मोनिक्स ऑफ साइन, हार्मोनिक्स मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी फूरियर सीरीज, फूरियर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये आपको एक थ्योरम दी थी, फूरियर थ्योरम, फूरियर सीरीज बोलते थे उसको, फूरियर सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी पीरियोडिक वेव फॉर्म को आप बहुत अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइडल वेव्स एंड डीसी वेव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर बच्चों अब क्या हो गया, तो फूरियर साहब ने बता दिया अपन को कि अपन साइनोसॉइडल और डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट साइनोसॉइडल कंपोनेंट में इस वेव फॉर्म को बदल सकते हैं। तो फिर अपन क्या करेंगे, अब अपन कुछ ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जिससे कि अपन इस वाले सर्किट से, इस वेव फॉर्म से इसको साइनोसॉइडल को अगर हटा दें तो अपन को कांस्टेंट डीसी मिल जाएगा। तो बच्चों यही काम अपन फिल्टर सर्किट की मदद से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिपल फैक्टर क्या था, पहले रिपल फैक्टर अपन ने डिफाइन किया था कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट अपॉन डीसी वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। ठीक है बच्चों, तो जितना ज़्यादा डीसी कंपोनेंट होगा उतना कम होगा रिपल फैक्टर, जितना ज़्यादा एसी कंपोनेंट होगा उतना ज़्यादा होगा रिपल फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब ये रिपल्स को दूर करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं फिल्टर सर्किट्स, फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर सर्किट्स जो मेनली मेन कंपोनेंट है आपके फिल्टर करने का, फिल्टर सर्किट्स का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन से हैं, आपका एक कंपोनेंट है कैपेसिटर, कैपेसिटर और दूसरा कंपोनेंट है इंडक्टर, इंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये मेन कंपोनेंट क्यों हुए हैं फिल्टर सर्किट्स के, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके कारण ये मेन कंपोनेंट हुए हैं। आपको इम्पीडेंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, जो कैपेसिटर का है, कैपेसिटर ऐसे डिनोट करते हैं, इसका जो इम्पीडेंस होता है, जो ये एसी
करंट को जो ये रेजिस्टेंस जो ऑफर करते हैं, जो एसी करंट को जो प्रतिरोध करते हैं, इसका फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc, जहां ओमेगा है वो है फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। अगर 50 हर्ट्ज है तो 100π इज इक्वल टू ओमेगा हो गया। ठीक है, अब देखिए जो प्योर डीसी वैल्यू रहती है उसके लिए ओमेगा इक्वल टू 0 रहता है। तो प्योर डीसी के लिए अगर ओमेगा इक्वल टू 0 रखेंगे तो कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया गया इम्पीडेंस कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। मतलब कि प्योर डीसी के लिए, बच्चों प्योर डीसी के लिए कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। प्योर डीसी के लिए कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और एसी के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है उसके लिए एक्ससी एक इम्पीडेंस की तरह काम करेगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ही कम इम्पीडेंस। मतलब कि जो एसी फ्रीक्वेंसीज हैं एसी वेव्स के लिए, एसी करंट्स के लिए, एसी वोल्टेजेस के लिए कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी उनके लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और साथ ही साथ बच्चों अब इंडक्टर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। इंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? पहले तो इंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इंडक्टर नथिंग बट एक कॉइल रहती है बच्चों, एक तार, कॉपर का तार, सोलेनोइड आपने पढ़ा होगा, उसी टाइप का इंडक्टर रहता है। चोक भी बोलते हैं इसको। जैसे देखिए आपके घरों में लगी रहती है ट्यूबलाइट में, पहले लगी रहती थी वो चोक लगी रहती थी, वो नथिंग बट एक इंडक्टर ही है। तो इंडक्टर का इम्पीडेंस आपने एसी सर्किट में पढ़ा होगा XL। इंडक्टर को L लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा फिर से फ्रीक्वेंसी है, L इंडक्टेंस है। अब एसी करंट के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है XL किसका हो जाएगा? उसका इम्पीडेंस XL की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर डीसी की बात करें तो डीसी के लिए XL की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा डीसी के लिए क्योंकि अपन को पता है 0 होता है, तो फिर XL के लिए 0 × L इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। मतलब बच्चों अपन ने देखा कि XL के लिए XL इंडक्टर डीसी करंट के लिए बिल्कुल निग्लेक्जेबल, लगभग 0 इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहा है, और एसी के लिए, एसी करंट के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उसके लिए इनफाइनाइट इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो बच्चों इंडक्टर की और कैपेसिटर की इन्हीं प्रॉपर्टीज के कारण अपन उनको फिल्टर सर्किट्स में यूज़ करते हैं। फिल्टर सर्किट्स में अपन क्या करते हैं? पर्पस आपको बता दिया है, एसी कंपोनेंट को फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर मतलब छांटते हैं बच्चों। कैसे छांटते हैं? जैसे चाय से आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती अलग करने के लिए छन्नी इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही अपन प्योर डीसी पल्सेशन जो आ रहे थे, ये वाले रिपल्स जो आ रहे थे, इनको हटाने के लिए अपन इन फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं, इनपुट पल्सेटिंग इनपुट अप्लाई करते हैं, आउटपुट में अपन प्योर डीसी लेते हैं। इनपुट में अपन पल्सेटिंग डीसी लेते हैं, आउटपुट में प्योर डीसी मिल जाता है। देखेंगे बच्चों अब सर्किट कैसे होते हैं। अब लास्ट क्लास में अपन ने रेक्टिफायर पढ़ा था, अब फिल्टर सर्किट करेंगे। देखिए बच्चों फिल्टर सर्किट में ब्लॉक डायग्राम अगर देखेंगे आप, जैसा मैंने पहले बताया पल्सेटिंग इनपुट दिया, फिल्टर सर्किट के आउटपुट के अक्रॉस प्योर डीसी मिली, एसी कंपोनेंट फिल्टर हो गए हैं इस ब्लॉक के अंदर। इस ब्लॉक के अंदर क्या है देखिए अब बारी बारी से पढ़ेंगे उसको। देखिए फिल्टर जो होते हैं आप कैपेसिटर को इस्तेमाल करके बना सकते हैं,
इंडक्टर को इस्तेमाल करके बना सकते हैं या फिर दोनों को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जब अपन कैपेसिटर को इस्तेमाल करके बनाते हैं फिल्टर सर्किट तो कैपेसिटर फिल्टर, जब इंडक्टर को इस्तेमाल करके बनाते हैं तो इंडक्टर फिल्टर, जब दोनों के कॉम्बिनेशन को बना के इस्तेमाल करके जो फिल्टर बनाते हैं उसको पाई फिल्टर बोलते हैं। अब इन तीनों फिल्टर सर्किट्स को अपन बारी बारी से देखेंगे। पहले बात करते हैं कैपेसिटर फिल्टर की। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों? डीसी को ये शॉर्ट सर्किट कर देगा, और एसी कंपोनेंट को जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उसको बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब देखिए, ये तो आपको एक तरीके से इम्पीडेंस के टर्म में समझाया गया। अब आपको पूरा बताते हैं किस हिसाब से वर्किंग कैसे है इसकी। देखिए बच्चों, ये रहा आपका सिंपल कैपेसिटर सर्किट, ये आपका सिंपल कैपेसिटर सर्किट है, कैपेसिटर का फिल्टर है। इसमें आपके क्या हो सकते हैं, सिंपल कैपेसिटर फिल्टर है, इसमें आपके सेम कैपेसिटर फिल्टर कई ब्लॉक्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक दो नहीं 4-5 ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं रियलिटी में, ताकि आपका जो आउटपुट वेव फॉर्म हो प्योर डीसी हो जाओ, रिपल्स धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब अपन ने इसकी पल्सेटिंग डीसी इनपुट में दी तो कैपेसिटर पहले चार्ज होता है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, जैसे ही दूसरा पल्सेशन आने लगता है, दूसरा पार्ट पल्सेशन का, जब वोल्टेज पल्सेटिंग वोल्टेज डिक्रीज करने लगता है, उस समय क्योंकि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है पीक वोल्टेज तक, तो ये कैपेसिटर तब अपना वोल्टेज डिस्चार्ज करने लगता है, लोड। तो फाइनली आपको क्या मिला, आपको लोड के अक्रॉस एक वोल्टेज कांस्टेंट मिल गया, क्योंकि कैपेसिटर की ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो वोल्टेज को सडनली चेंज नहीं कर सकता है, ये कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये रहती है कि वो अपने थ्रू करंट को सडनली चेंज नहीं कर सकता है, ये इंडक्शन इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। dv/dt इन केस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, और di/dt इन केस ऑफ इंडक्टर इज इट इज जीरो, ठीक है। अब देखेंगे डायग्राम, देखें जब आपका कैपेसिटर पल्सेशन बढ़ रहा था, कैपेसिटर चार्ज हुआ, अब आपने इनपुट में क्या दिया है, आपने इनपुट में ये दे रहे हैं, यहां से आपका पल्सेशन गिरना चालू हुआ पर आपका फिर भी ये कांस्टेंट रहा। फिर यहां पे देखेंगे क्या हुआ, ए से बी तक में क्या हुआ, आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपका आउटपुट जो है वो आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया है, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करंट को अब डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है बच्चों। वो वोल्टेज का जो चेंज हो गया है सडन चेंज, उसको अपने थ्रू चेंज होने नहीं दे रहा है। अगर आप कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा देंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो और स्लोली डिस्चार्ज करेगा, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर जो कैपेसिटेंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो फिल्टर्ड आएगा, जो वेवफॉर्म फिल्टर्ड होके आएगा, वो बहुत ही स्लाइट हो जाएगा, बहुत स्लाइट वेरिएशन हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली प्योर डीसी हो जाएगा। और अगर आप कई स्टेजेस यूज करते हैं सेम फिल्टर कैपेसिटर इस्तेमाल करके, तब भी आपका अप्रॉक्सीमेटली सेम वेवफॉर्म आउटपुट पे प्योर डीसी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बात रही आपका इंडक्टर फिल्टर कैपेसिटर फिल्टर की। अब आप बात करते हैं चोक फिल्टर।
जो फिल्टर या इंडक्टर फिल्टर की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी बच्चों। ये इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर अपने थ्रू एसी करंट को के लिए हाई इम्पीडेंस ऑफर करता है। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। अगर प्योर डीसी है तो एक्सएल इक्वल टू जीरो, अगर ओमेगा बहुत ज़्यादा है तो एक्सएल इक्वल टू इनफाइनाइट, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब इसका सर्किट देख लेते हैं। सर्किट रहा बच्चों ये, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है, आपने इनपुट में पल्सेशन दिए, जो डीसी कंपोनेंट है उसको इसने ब्लॉक कर दिया। जैसे ही डीसी को ब्लॉक कर दिया तो अप्रॉक्सीमेटली 0.3 पे आपको रिपल फ्री, बहुत माइनर रिपल्स मिलेंगे। और माइनर रिपल्स जो होंगे वो किस फ्रीक्वेंसी लेवल के होंगे, लो फ्रीक्वेंसी के लिए होंगे, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। एक्सएल किसको, किन फ्रीक्वेंसी की कंपोनेंट को बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस ऑफर करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी के, तो हाई फ्रीक्वेंसी को अपने थ्रू पास होने नहीं देगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको ये बहुत कम ऐसे मिलेंगे जिनको अपने थ्रू पास होने लगे देगा। तो बहुत लो फ्रीक्वेंसी मतलब जिनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है रिपीटिशन का, ठीक है बच्चों, इस टाइप का कुछ रहेगा। ठीक है, उस ये होने के बाद ये कैपेसिटर के क्रॉस मिले। अब कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उनके लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा c। इफ अगर ओमेगा जीरो की तरफ है तो xc बहुत ज़्यादा है, xc के बाद यहाँ इम्पीडेंस हाई इम्पीडेंस देगा, तो लगभग जो xc बचे हुए फिल्टर एक्सी फिल्टर कर देगा बचे हुए कंपोनेंट्स को। तो आपको आउटपुट लोड पे क्या मिल गया, आउटपुट लोड पे मिल गया लगभग प्योर डीसी। ठीक है बच्चों, ये रहा इंडक्टेंस फिल्टर, इंडक्टर की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके फिल्टर कर दिया गया पल्सेशन को। अब बच्चों बात करते हैं पाई फिल्टर की। पाई फिल्टर देखिए, पाई किस लिए बोला गया, पाई इसलिए बोला गया क्योंकि आप इसमें इंडक्टर कैपेसिटर दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और सर्किट जो आप बनाते हैं प्लॉट करेंगे सर्किट जब, तो पाई की तरह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल आपका पाई फिल्टर का सर्किट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपने इनपुट में पल्सेशन दिए, आपको जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो डीसी कंपोनेंट पास होने दिए, और एसी कंपोनेंट के जो मेजर एसी कंपोनेंट है उसको कैपेसिटर ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। एसी कंपोनेंट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, डीसी कंपोनेंट पास होने दिए। अब डीसी कंपोनेंट जब पास होने दिए, फिर भी जो फिल्टर होते होने से बच गए वो अब इंडक्टर के पास जाएंगे, इंडक्टर क्या करेगा, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा है, जिसकी जिनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, अगर जीरो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू जीरो है तो एक्सएल इक्वल टू जीरो हो गया, जो शॉर्ट हो गया मतलब कि इसने पास होने दिया। अगर फ्रीक्वेंसी है मतलब कि अगर एसी सिग्नल है तो उसको ये ब्लॉक कर देगा, थोड़े बहुत जितने बच्चों में उनको ब्लॉक करेगा। फिर आगे गया, फिर उसके बाद आउटपुट कैपेसिटर है, ये अगेन फर्दर फिर से एसी कंपोनेंट को फिल्टर आउट करके आउटपुट पे प्योर डीसी को भेजेगा। ठीक है बच्चों, एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये रहा आपका पाई फिल्टर। ठीक है, आप देखेंगे रेक्टिफायर इनपुट दे दिया, पल्सेटिंग इनपुट अपन ने दिया, कैपेसिटर से एसी कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, डीसी को आगे बढ़ाया, जो डीसी कंपोनेंट के बाद भी कैपेसिटर टू में बचे हुए एसी कंपोनेंट गए, और फिर आउटपुट पे आपको कलेक्ट कर लिया अपन ने प्योर डीसी। बच्चों देखेंगे इसमें
ये जो वेवफॉर्म दिखा रहा है इसमें फिर भी माइनर 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 आपके पल्सेशन है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के जितने भी, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब वो साइनसॉइडल जो जल्दी जल्दी रिपीट हो रहे हैं, इनका टाइम पीरियड बहुत कम है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी रिपीट, लो फ्रीक्वेंसी मतलब जो बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो लगभग डीसी के आसपास है, वो वाले कंपोनेंट अपन रिमूव नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होती है उनको रिमूव करने में। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर होता है 1/ωC, XC होता है, वो इम्पीडेंस होता है 1/ωC, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उसके लिए ये इम्पीडेंस कितना हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है वो ये इम्पीडेंस लगभग इन्फाइनाइट हुआ। मान लो ये 0.00001 है, फ्रीक्वेंसी 0.00001 है, तो फिर उसके लिए XC की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई और XL की वैल्यू ωL वो भी बहुत कम हुआ। क्योंकि इंडक्टर आपका सीरीज में लगा है तो वो इन लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को आगे आने देगा, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर पैरेलल में लगा है तो ये इसको लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इनफाइनाइट इम्पीडेंस देगा, तो ये आगे बढ़ने देगा, यहाँ से भी ये ब्लॉक करेगा, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा और आगे बढ़ने देगा। तो आप देखेंगे कि जो सर्किट जो आउटपुट में वेवफॉर्म बनाया हुआ है वो प्योर एकदम करेक्टली डीसी नहीं बना हुआ है, इसमें माइनर पल्सेशन अभी दिखाए गए हैं। इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दिस फिल्टर सर्किट आपको पल्सेशन दिखाए गए हैं। मेन रीजन इसका यही है बच्चों, क्योंकि आपको एग्जैक्टली ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं सारी फ्रीक्वेंसीज को। तो अब क्या करेंगे जिससे कि अपन को प्योर डीसी मिले, रिपल कम हो जाए, आप कई स्टेजेस में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस की वैल्यू अलग अलग चूज करके कई स्टेजेस में इसको जब कनेक्ट करते हैं फिल्टर सर्किट को, तो फाइनली आपको प्योर डीसी, नियरली प्योर डीसी आउटपुट में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, फिल्टर्स कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जीनर रेगुलेटर के बारे में और वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। अपन की यूनिट 1-5 कवर हो गई हैं, इसके बाद अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।